प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी इसके अंतर्गत पाठ एक, ये पाठ का शीर्षक है बच्चों नई उषा। ये कविता पाठ है और इसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। तो आज हम पढ़ते हैं नई उषा। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। बच्चों आप लोग को पता है कि हमारा देश पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद हमको क्या मिली, आज़ादी मिली। तो ये जो कविता है वो आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की काली माँ छट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। ये आप लोग को पता है, हमारे देश के बहुत सारे जो युवा थे वो क्या हो गए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनको अपनी जान की क्या देनी पड़ी, कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व तो कुछ और अधिक है। इसलिए बच्चों अभी हमारे देश के युवाओं का उत्तरदायित्व तो कुछ और भी क्या है, अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, और जो हम चाहते ही हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देश के जो युवा हैं, देश का जो युवा वर्ग है, उसको पहल करना पड़ेगा और उसको परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा देश जो है वो विकसित देश की श्रेणी में आएगा। तो विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्न को अनवरत गति देनी पड़ेगी। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं कविता नई उषा। तो सबसे पहले मैं कविता का पाठ करती हूँ। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। तो बच्चों ये जो कविता है वो नवयुवाओं को संबोधित, देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कवि सत्यनारायण लाल जी ने लिखा है। तो इसके तहत कवि जो है वो क्या बता रहे हैं कि उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। हमारे देश के नवयुवकों को नई उषा का नया संदेश दे रहे हैं। तो बच्चों आइए हम इन जो दो पंक्तियां हैं उनका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ देखने से पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द का पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इसमें कठिन शब्द में सिर्फ एक ही है कि नहीं, उषा। उषा यानी होता है बच्चों प्रातःकाल। तो आइए हम देखते हैं भावार्थ। भी नवयुवकों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, उठो और विकास के पथ पर तुम बढ़े चलो। सुबह की नई किरण सभी दिशाओं को नए संदेश लेकर के आलोकित कर रही है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्करा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो बच्चों आइए हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों का हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह या प्रातःकाल। गगन, गगन का तात्पर्य है आकाश। समीर, समीर का मतलब होता है बच्चों हवा। प्रशस्त, प्रशस्त कहते हैं प्रशंसा योग्य। तो आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। सूर्य की किरणों के आलोक से कमल का पुष्प विकसित हो चुका है और नया सवेरा मुस्कुरा करके हम सबका क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। और बच्चों कवि कह रहे हैं कि आकाश जो है वो नए विकास का नवीन सपने जो है वो सजा करके आया हुआ है। कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, उठो और बढ़े चलो, क्योंकि हवाएं भी शंखनाद करते हुए हमारे भविष्य के नए सपने, विकास रूपी सपनों का पथ प्रशस्त वो कर रही है। तो इस प्रकार से बच्चों कवि कह रहे हैं कि भविष्य हमारे सामने है, उठो और अपने भविष्य को क्या करो, तुम एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए तुम कार्य करो। आगे की पंक्तियां देखते हैं। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण शशि और धूल पर। तो बच्चों आइए हम इसका भावार्थ समझने से पहले हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं।
तो इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द हैं, जैसे स्वेद, स्वेद यानी होता है पसीना। आगे है धरा, धरा कहते हैं बच्चों धरती को। उर्वरा, उर्वरा यानी होता है उपजाऊ। वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को। अभय, अभय कहते हैं बिना डरे। और शूल, शूल का तात्पर्य होता है कांटा। तो आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि लाल जी देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, उठो और अपने पसीने, मेहनत के पसीने से कार्य करते हुए ये हमारी सुंदर जो धरती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, और हमारी धरती, आपके मेहनत की बदौलत हमारी जो धरती है वो हमेशा सस्य श्यामला बनी रहे और इसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो, ताकि हमारा देश जो है वो धन धान्य से भरपूर बना रहे। इस प्रकार से हमारी ये धरती है वो हमेशा सस्य श्यामला बनी रहे। तो हे नवयुवकों, तुम निर्भीक होकर प्रगति के पथ पर चलते जाओ। प्रगति के पथ पर चलने पर तुम्हारे रास्ते पर तुमको फूल भी मिलेंगे और शूल भी मिलेंगे। शूल अर्थात कांटे, जिससे तुमको क्या होगी, तकलीफ होगी, लेकिन तुमको इन तकलीफों से डरना नहीं है, बल्कि निरंतर तुमको प्रगति करते जाना है। हे नवयुवकों, तुम्हारा स्नेह जो है वो स्वर्ण पर, शशि पर और धूल पर समान रूप से प्रदर्शित हो। तो कवि यहाँ पर स्वर्ण का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर ये है कि स्वर्ण जो है वो धनराशि, स्वर्ण जो है वो कैसा होता है, महंगी धातु है। तो यहाँ पर महंगी धातु का तात्पर्य अमीर लोगों से है, और धूल का तात्पर्य देश के जो उपेक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे तात्पर्य है कवि का। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, तुम इस प्रकार से अपना कार्य करो कि जो देश के जो संभ्रांत लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर भी तुम्हारा समान रूप से प्रेम हो, और जो देश के उपेक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर भी तुम्हारा समान रूप से प्रेम प्रकट हो। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुर भी मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। तो बच्चों आइए हम देख लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। सुकर्म, सुकर्म कहते हैं अच्छे कर्म को। स्वदेश, स्वदेश का तात्पर्य होता है अपना देश। सख्य, सख्य कहते हैं सखा को या मित्र भाव। विवेक, विवेक का तात्पर्य होता है बुद्धि। आत्मदान, आत्मदान कहते हैं बलिदान को। तो देखते हैं हम इन पंक्तियों का भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि लाल जी बता रहे हैं हमको कि देश के युवाओं के अच्छे कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा हमारा जो ये देश है वो क्या उठेगा, जगमगा उठेगा। कवि कह रहे हैं कि हम सब मिल करके क्या करेंगे, काम करेंगे जिससे हमारा समाज जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, और उसके साथ साथ सभी मनुष्य आपसी ईर्ष्या द्वेष और जो गलत भावना है उससे दूर होकर के एकता के गीत गाते हुए इस समाज में जीवन यापन करेंगे। मनुष्यों के मन में विवेक जागृत होगा, सभी मनुष्य के मन में सहानुभूति, सखा की भावना, मित्रता की भावना, सत्य की भावना, प्रेम की भावना और आत्मदान की भावना का विकास हमको करना होगा। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो बच्चों इसका भावार्थ समझने से पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ अर्थात हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गेह, गेह का मतलब होता है घर। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। महानिशा, महानिशा कहते हैं गहन रात्रि को। तो आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। ओज गुण युक्त इन पंक्तियों के माध्यम से कवि लाल जी हमको बता रहे हैं कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, कि इस संसार में सभी के हृदय में स्नेह की जो भावना है वो प्रवाहित होती रहे। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, और सभी मनुष्यों के हृदय में ज्ञान, हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीप जो है वो जलता रहे, जिससे हम ज्ञानवान होकर के हमारा जीवन जो है वो आलोकित होता रहे। उठो की बीत चली है प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा।
कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवको तुम उठो, क्योंकि प्रमाद अर्थात आलस्य की जो महानिशा थी वो महानिशा की रात्रि जो है वो क्या हो गई है, बीत गई है और हमारे जीवन में स्वतंत्रता रूपी नए सवेरा का आगमन हो गया है। और इस सवेरा, ये स्वतंत्रता रूपी सवेरा के तहत हमको क्या करना है, विकास के पथ पर अग्रसर होना है, हमारा जीवन जो है वो आलोकित होने वाला है, इसलिए उठो और नई किरण जो है वो हमारे जीवन में नया प्रकाश लेकर के आई है, तो हमको भी अपने जीवन को, देश को, समाज को आलोकित और प्रकाशित करना है। तो बच्चों ये पाठ ओज गुण युक्त पाठ है ना, और ये कविता जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं कि नवयुवकों का आह्वान करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, हमारे जीवन में नई उषा, जो परतंत्रता की जो कालिमा थी, काली रात्रि थी, वो काली रात्रि क्या हो गई है, छट गई है और अब स्वतंत्रता रूपी नई उषा लेकर के, नई उषा का आगमन हो गया है, इसलिए इस नई उषा के तहत हमको क्या करना है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना है, बल्कि हमें आपसी प्रेम, सहयोग, सद्भावना, क्षमा, दया, करुणा आदि जितनी भी मानवीय भावनाओं हैं उसका हम सबको आत्मसात करनी है और इस मानवीय भावनाओं के तहत रह करके ही हमें समाज में क्या करना है, जीवन व्यापन करना है। इस कविता में ये भी बताए हैं कि आपको क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत के कारण ही हम प्रगति के पथ पर क्या होंगे, अग्रसर होंगे, हमारा जो देश है वो प्रगति के सोपान पर अग्रसर होता रहेगा, किसकी बदौलत, युवाओं की मेहनत की बदौलत। और बच्चों आप लोग को पता ही है कि नए राष्ट्र का निर्माण में युवा शक्ति का ही बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसलिए युवा शक्ति को संबोधित करते हुए इस कविता में कवि जो है युवा शक्ति का क्या किए हैं, आह्वान किए हैं। चलिए तो बच्चों आइए, अब पाठ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो बच्चों आइए हम देख लेते हैं गृह कार्य के प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है। और अब हम देख लेते हैं एक तीसरा प्रश्न कि यह कविता नवयुवकों को क्या संदेश दे रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने कक्षा शिक्षक से आपको चेक कराने हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।